कहानी शुरू होती है और हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कार्टर नामक लड़के के टॉम में नींद से उठती है। ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट थी और पिछली रात देर तक पार्टी करने की वजह से ट्री वॉज वेस्टेड और वो नशे की हालत में कार्टर के साथ उसके कमरे पर आ गई थी। ट्री को काफी हेडेक था और वो कार्टर से हेडेक की दवा मांगती है। अब उसके डैड का कॉल आता है पर ट्री इस कॉल को इग्नोर करती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है एंड द डेट वॉज 18 सितंबर। दवा खाने के बाद ट्री फौरन ही डॉर्म रूम से अपने हॉस्टल की तरफ पढ़ने लगती है और रास्ते में उसे कई लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते दिखते हैं। इन लोगों में से ट्री को एक टीम नाम का बंदा भी मिलता है जिसने ट्री को शायद एक बार डेट भी किया था और ट्री उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ती है। फाइनली ट्री हॉस्टल पहुंचने के बाद अपने कमरे में जाती है जहां उसकी रूममेट लोरी उसे एक कपकेक देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है। यहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ट्री को खुद की बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो लोरी के द्वारा दी गई कपकेक को डस्टबिन में डाल देती है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम ट्री को एक हॉस्पिटल में जाते देखते हैं और वो यहां अपने कॉलेज के एक मैरिड प्रोफेसर से मिलने आई थी जिसका नाम ग्रेगरी था। ट्री का ग्रेगरी के साथ अफेयर था और इस बात का शक शायद ग्रेगरी की वाइफ और ट्री की रूममेट लोरी को था। दूसरा, ट्री एक पार्टी अटेंड करने जा रही होती है जब ट्री को एक मास्क पहना हुआ इंसान दिखता है। यह इंसान ट्री के कॉलेज का मास्क पहना हुआ था और यह मास्क इंसान ट्री का पीछा कर रहा था। एक टनल को क्रॉस करते वक्त यह इंसान ट्री पर हमला कर देता है और फाइनली वो ट्री को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। ट्री के मरते ही वो खुद को वापस कार्टर के बेड पर सोई हुई पाती है और सरप्राइजिंगली यहाँ वापस से वही चीजें हो रही थी जो ट्री के साथ मरने से पहले हुई थी, यानी कि ट्री वापस से कार्टर के डॉर्म में थी। कार्टर सेम बातें बोलता है जो उसने पहले बोला था और ट्री को डॉर्म के बाहर सेम लोग सिमिलर एक्टिविटी करते मिलते हैं जो उसे पिछले दिन मिले थे। इतना ही नहीं, आज का दिन मंडे था और आज की डेट भी 18 सितंबर ही थी। मानो ये पूरा दिन ट्री के मरने से एकदम रिसेट हो गया है। ट्री वाज शॉक्ड क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सेम डे को एक बार फिर से जी रही है। इन सीन्स में हमको पता चलता है कि ट्री की मॉम का बर्थडे भी सेम दिन था और उनके देहांत के बाद से ही ट्री ने अपना बर्थडे मनाना बंद कर दिया था। तो आज रात वापस ट्री को पार्टी में जाना था तो वो उस किलर से बचने के लिए अलग रास्ते का इस्तेमाल करके पार्टी तक पहुंचती है। पार्टी हाउस जाने पर ट्री को पता चलता है कि ये पार्टी उसके लिए ही सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी और सभी लोग यहाँ काफी एंजॉय कर रहे थे। इस पार्टी में हम व्यूअर्स फिर से इस मास्क किलर को देखते हैं जो कि ट्री के एक फ्रेंड को मारने के बाद ट्री पर हमला करता है। ट्री उस किलर का सामना करती है लेकिन ये किलर ट्री को जान से मारने में वापस कामयाब हो जाता है। ऐसा होते ही हम वापस ट्री को कार्टर के बेडरूम में उठते देखते हैं और ट्री के मरते ही आज का दिन एक बार फिर से रीसेट हो चुका था। ट्री वाज इन कंप्लीट शॉक और वो पागलों की तरह भागकर खुद को अपने हॉस्टल रूम में बंद कर लेती है। ट्री अपने कमरे को एकदम सील कर देती है ताकि किलर यहां आ ही ना सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किलर पहले से ही ट्री के कमरे में छुपा था और वो एक बार फिर से ट्री पर हमला करके उसे जान से मार देता है। मरते ही ट्री वापस से कार्टर के रूम में उठती है और ये दिन एक बार फिर से रीसेट हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में खास बात ये थी कि जब भी दिन रीसेट होती थी किसी को भी पहले हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था एक्सेप्ट ट्री। तो बार बार सेम डे को रिलीव करके ट्री एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो ये सारी बातें कार्टर को बताती है, लेकिन कार्टर इन बातों में भरोसा नहीं करता। लेकिन वो ट्री को समझाता है कि इवन इफ ये सच है तो ट्री के पास काइंड ऑफ अनलिमिटेड लाइफ है। वो अपने सारे सस्पेक्ट्स का नाम लिखकर पता लगा सकती है कि आखिर कौन उसे बार बार मार रहा है और अगर वो किसी तरह बच गई तो शायद वो इस टाइम लूप से बाहर आ जाए। ट्री को ये आइडिया काफी पसंद आता है और मूवी के आगे कुछ सीन्स में हम ट्री को अपने सस्पेक्ट्स का पीछा करते देखते हैं और इस दौरान वो कई बार मारी जाती है और हर बार उसके मरते ही दिन फिर से वापस से रिसेट हो जाता था। इस दौरान ट्री को कुछ बातें पता चलती है जैसे टिम गे था, डैनियल उसकी कातिल नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार वापस मरने के बाद जब ट्री कार्टर के बेडरूम में उठती है तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है। कार्टर ट्री को हॉस्पिटल में एडमिट करता है जहां ट्री की देखभाल ग्रेगरी कर रहा था। ग्रेगरी बताता है कि ट्री की बॉडी स्कैन कर ली गई है और स्कैन इमेजेस को देखकर ऐसा लगता है मानो ट्री के शरीर के अंदर कुछ बहुत ही गहरे चोट के स्कार्स हैं जो कि हील हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नॉर्मली इतने इंटरनल स्कार्स होने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये बात सुनकर ट्री समझ जाती है कि हर बार जब वो मरती है तो उसके शरीर के अंदर कुछ चोट आते हैं जिसकी वजह से वो एकदम वीक हो जा रही थी। अगर ट्री जल्दी अपने किलर को नहीं पकड़ी तो वो इतनी वीक हो जाएगी कि शायद वो अगली बार मरने के बाद उठ ही ना सके। ये सब सोचकर ट्री फौरन ही हॉस्पिटल से भागती है, लेकिन वो किलर वापस से ट्री का पीछा करने लगता है। ट्री किसी तरह ग्रेगरी की कार चुरा कर हॉस्पिटल से भागती है, लेकिन ये किलर एक दूसरी कार से ट्री का पीछा करता है और फाइनली वो ट्री को एक पुलिस कार में चलाकर मार डालता है। वापस जिंदा होने के बाद ट्री काफी वीक थी और वो फिर से कार्टर को सारी बात समझाती है क्योंकि कार्टर सब कुछ भूल चुका था। रेस्टोरेंट में बातें करते वक्त ट्री की नजर एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें किसी टुम्स नामक मर्डरर की बातें हो रही थी और उसने तकरीबन 6 लड़कियों की जान ले रखी थी। टुम्स फिलहाल उसके कॉलेज कैंपस वाले हॉस्पिटल में एडमिट था और ट्री को ऐसा लगता है कि शायद टुम्स ही उसका कातिल है। ट्री फौरन हॉस्पिटल जाती है जहां टुम्स पुलिस कस्टडी में था, लेकिन ट्री के पहुंचने से पहले उसने पुलिस को मार डाला था और वो फ्री हो चुका था। ये मास्क मैन सच में टुम्स ही था और वो
ट्री पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। ऐन वक्त पर वहाँ कार्टर ट्री को बचाने आता है, लेकिन टोम्स कार्टर को जान से मार डालता है। मौका देखकर ट्री टोम्स पर एक क्रूबार से हमला करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। लेकिन ट्री रियलाइज करती है कि अगर वो टोम्स को मार देगी तो वो आज का दिन सर्वाइव कर जाएगी, और अगर वो सर्वाइव कर गई तो दिन वापस रिसेट नहीं होगा। दिन रिसेट न होने के कारण कार्टर मरा ही रह जाएगा। और चूंकि ट्री कार्टर को पसंद करने लग गई थी, शी डिसाइड्स कि वो खुद को फांसी लगाकर मार डालेगी ताकि ये दिन एक बार फिर से रिसेट हो जाए और कार्टर उसे जिंदा मिले। ट्री के फांसी लगाकर मरते ही दिन वापस रिसेट होता है और वो एक बार फिर से कार्टर के बेडरूम में उठती है, जहां कार्टर एकदम जीवित था। ट्री वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली उसने अपने कातिल को ढूंढ लिया था और उसे अपना प्यार भी मिल चुका था। आज के दिन ट्री सबके साथ एकदम अच्छा बर्ताव करती है और वो अपने ग्रेगरी के साथ चल रही अफेयर को भी खत्म करती है ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। ट्री अपने डैड से भी मिलती है, जिन्हें उसने तब से इग्नोर कर रखा था जब से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और वो अपने डैड से भी माफी मांगती है। ये सब करने के बाद रात को ट्री फाइनली हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन के साथ जाती है, जहां उसकी मुठभेड़ वापस से टोम्स से होती है। इस मुठभेड़ में ट्री टोम्स को फाइनली मार पाती है और डे एंड पर वो कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जहां वो उस कपकेक को खाती है जिसे उसके लिए उसकी रूममेट लोरी ने बनाया था। ट्री होप्स कि जब वो नेक्स्ट डे उठेगी तो शायद वो दिन ट्यूजडे होगा और वो डेट 19 सितंबर होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जी हां दोस्तों, ट्री का दिन वापस से रीसेट हो गया था और वो अब भी इसी टाइम लूप में फंसी हुई थी। कार्टर के बेडरूम में वापस उठकर ट्री वॉज फुली फ्रस्ट्रेटेड और वो भागकर अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में ट्री को लोरी मिलती है, जो कि उसे बर्थडे कपकेक देती है, और इस कपकेक को देखकर ट्री को रियलाइज होता है कि पिछली रात शायद वो नींद में ही मारी गई। जी हां दोस्तों, ये कपकेक पॉइजन वाला था और ट्री को मारने की कोशिश और कोई नहीं बल्कि लोरी कर रही थी। हर बार ट्री कपकेक को नहीं खाती थी, इसलिए लोरी वो बच्चे वाला मास्क पहनकर ट्री को मार डालती थी। हॉस्पिटल में भी टोम्स बस एक पेशेंट था, और चूंकि लोरी उस हॉस्पिटल में काम करती थी, वो टोम्स को ड्रग कर देती ताकि टोम्स ट्री को मारने की कोशिश करे। लास्ट टाइम ट्री टोम्स को हरा पाई थी, लेकिन उसने लोरी द्वारा बनाई जहरीली कपकेक खा ली, जिसकी वजह से उसकी नींद में ही फिर से मौत हो गई। इस बात का पता लगते ही लोरी के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं और वो ट्री पर हमला कर देती है। लोरी बताती है कि उसे भी प्रोफेसर ग्रेगरी पसंद है, लेकिन ग्रेगरी हमेशा ट्री को ही चूज करता है, और इस छोटी सी वजह के लिए वो ट्री की जान लेना चाहती थी। तो बस यहाँ हाथापाई शुरू होती है, और इस हाथापाई में ट्री किसी तरह लोरी को उसके ही द्वारा बनाई गई जहरीली कपकेक खिला देती है, और फाइनली वो लोरी को कमरे की खिड़की से पुश कर देती है, जिससे लोरी के नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वेन्यू पर आती है और वो लोरी को एक साइको किलर घोषित करती है। ट्री ये सारी बातें कार्टर को बताती है, और मूवी के लास्ट सीन में हम ट्री को वापस से कार्टर के बेडरूम में सोते हुए देख पाते हैं। जब ट्री की नींद खुलती है तो शी रियलाइजेस कि आज का दिन ट्यूजडे था और आज का डे 19 सितंबर था, यानी कि ट्री फाइनली इस टाइम लूप से बाहर आ गई थी और वो कार्टर के साथ रिलेशनशिप में भी थी। कार्टर और ट्री एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्री इस टाइम लूप में फंसी कैसे थी। तो इसका जवाब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।